धन्यवाद। मैडम ये बताइए कि जो पंचायत चुनाव हुआ था उसमें विपक्ष आप पर हावी रहा कि ये पंचायत में मतलब धांधली हुई है, आप क्या कहना? देखिए बिल्कुल भ्रामक है और भारतीय जनता पार्टी धांधली में बिल्कुल विश्वास नहीं करती। आप जीत जाएं तो सब ठीक है, आप हार जाएं तो सब गलत है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ बहुत ही ज़बरदस्त झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है और जो निर्वाचित BDCs थे या जो निर्वाचित जो आपके पंचायत सदस्य थे वो भारतीय जनता पार्टी और योगी जी के का जो कार्यकाल है उनके क्रियाकलापों को देखकर आया है। वो सब चाहते हैं विकास और विकास BJP कर रही है। मैडम एक लखीमपुर महिला के साथ जो अभद्रता हुई थी चुनाव में उसमें प्रियंका वांड्रा जी भी आई थी, तो क्या क्या देखती हैं किस तरीके की राजनीति? नहीं वो तो तत्काल जैसे ही वो वायरल हुई खबर तो पार्टी ने उस पर कार्रवाई करी, वो लोग सस्पेंड किए गए और उनके खिलाफ केसेस दर्ज हुए हैं। तो ये तो पार्टी करती है कि कोई कार्यकर्ता यहाँ क्या कर दे उसकी पूर्ण जिम्मेदारी तब होगी पार्टी की अगर वो कार्रवाई ना करे, पर सरकार ने कार्रवाई की। लेकिन प्रियंका गांधी जी 6 महीने में एक बार आती हैं, कहीं जाती हैं फ़ोटो खिंचा के निकल लेती हैं, तो हमें कोई ये कोई सही राजनीति नहीं है। आप राजस्थान क्यों नहीं जाती जब वहाँ कुछ गड़बड़ होता है? आप पंजाब क्यों नहीं जाते जब वहाँ पर किसी दलित को मारा जाता है? आप क्यों नहीं अन्य अपने जहाँ आपका प्रशासित राज्य है छत्तीसगढ़ में कितना अत्याचार है, क्यों नहीं आप वहाँ जाती? लोग मार दिए जाते हैं, आप झांकने नहीं जाते? तो ये सब जनता समझती है कि आप किसी की तकलीफ को राजनीतिक लाभ पाने के लिए उपयोग करें ये अच्छी स्वस्थ राजनीति नहीं। ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई है तो इस पर विपक्ष जो है हावी है, उस पर क्या कहना चाहिए? मुझे समझ नहीं आता विवाद क्यों। सरकार ने साफ कह दिया कि स्वास्थ्य एक जो है वो प्रदेश का सब्जेक्ट है, स्टेट सब्जेक्ट है, और हर बीमारी का आंकड़ा या तो DM के द्वारा या सरकार द्वारा केंद्र सरकार को मिलता है। जब वो आंकड़े आ जाते हैं कि किसकी मृत्यु हुई किस वजह से हुई उसका संकलन करके हम छाप देते हैं केंद्र सरकार। तो जब किसी हर सरकार ने ये लिख दिया कि हाँ इस तरह से भी ऑक्सीजन की, महाराष्ट्र ने साफ लिखा ऑक्सीजन कमी नहीं, अभी भी बोल रहे हैं, तो कोई लिख के तो दे, आज लिख कर फिर भेज दें। अभी हाईकोर्ट ने दिल्ली के कहा है शायद केजरीवाल जी को, गवर्नमेंट को दिल्ली के, कि भाई आप बताइए आंकड़े दीजिए, तो अगर आंकड़े देंगे तो हम छाप देंगे। देखिए हम मानते हैं कि जब ये शुरू हुआ तो समय हुआ वो थोड़ी बहुत हुई दो तेज में, लेकिन उसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र पे डाल देना जबकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, जबकि ऑक्सीजन का डिस्ट्रीब्यूशन उनको करना था। तो मैं यही कहूँगी कि हर चीज़ में राजनीति करना उचित नहीं है। जो हमारे पास फैक्ट्स थे वो हमने जनता के सामने रख दिए। कांग्रेस के कद्दावर नेता का बयान आया कि दो बच्चे के लेकर कि अपने बच्चे मंत्री या कार्यकर्ता सार्वजनिक करें कि ये वैध हैं कि अवैध हैं, ये बहुत गलत बात है। वैध अवैध का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, प्रश्न है जनसंख्या नियंत्रण का और वो सामान्य रूप से किसी समुदाय या जात को देखकर नहीं है। तो इसलिए जो भी बिल बन रहा है, जो कानून बनना है, उसको जनता के सुझाव के लिए रखा गया है। जनता अपना सुझाव दे रही है, 30 तारीख तक सुझाव आने हैं। जब सुझाव हो जाएंगे तो संकलित करके उनको सोच के विचार करके उस पर आएगा। ये कहीं पर भी किसी शादी को, विवाह को अवैध घोषित कर देना या बच्चे को अवैध घोषित करने की प्रक्रिया इसमें कहीं नहीं है, सिर्फ नियंत्रण की। और जो नियंत्रण नहीं करेंगे जब कानून बन जाएगा तो राजकीय सुविधाओं से उनको मुक्त कर दिया जाएगा। बस ऐसा थोड़ी कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो जाएगी या उनके खिलाफ मुकदमे हो जाएंगे। विपक्ष लगातार हावी है, उनको क्या संदेश देना? विपक्ष हताश है, विपक्ष हमको कोई कुछ संदेश नहीं देना। इतना ही कहना है कि संसद चल रही है, आपके मन में जो भी विषय है आप वहाँ पर आकर चर्चा करिए, राष्ट्र के सामने में अपना पक्ष रखिए, सरकार को अपना पक्ष रखने दीजिए और फिर जनता को निर्णय करने दीजिए। आप क्योंकि आ नहीं रहे हैं वार्ता के लिए, बात करने के लिए, सदन को चलने नहीं दे रहे, इसके मतलब है कि आपके पास कोई विषय नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक राजनीति करते हैं, सरकार को बदनाम करने की झूठी कोशिश करते हैं और जनता इस बात को समझ रही है। ठीक है, ये हमारे साथ थी रीता बहुड़े जी, जिन्होंने साफ बताया कि हम चुनाव को लेकर काफ़ी सक्रिय हैं और 2022 में अपनी सरकार बनाएंगे। आलोक दुबे, ETV भारत, फरुखाबाद।